देखिए क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, 90 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और मिश्रण में 20 लीटर दूध मिला दिया जाता है और अब दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है, तो पानी का प्रारंभिक मात्रा क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रेशियो को पकड़ लेना है। तो देखिए 2:1 यहाँ रेशियो दिया हुआ है और 3:1 बाद में यहाँ हो जा रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे मिल्क और वाटर, यानी कि मुझे रेशियो लिखना है। तो मिल्क का रेशियो आप देख लीजिए 2:1 पहली बार दिया हुआ है जब आप नहीं निकाले हुए थे, और बाद में क्या हो जा रहा है 3:1 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वाटर, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो लिख दिया मैंने, तो वाटर देखिए सेम हो रहा है यानी 1:1 है, और मिल्क यहाँ चेंज हो रहा है, और यहाँ भी लिखा जा रहा है कि 90 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है और 20 लीटर दूध मिला दिया, यानी कि चेंजिंग जो हो रहा है, क्योंकि दूध डालने पर जो उसका रेशियो चेंज होगा या मात्रा चेंज होगा वो दूध का ही चेंज होगा दूध मिलाने पर, लेकिन पानी तो सेम ही रहने वाला है। यानी मान लीजिए कि आपने किसी बाल्टी में जो मिक्सचर है दूध और पानी का, उसमें से अगर आपने एक 1 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो तो सेम निकलेगा अनुपात में, लेकिन अगर आपने 20 लीटर दूध मिला दिया तो इसका मतलब है कि दूध का जो मिक्सचर मात्रा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन पानी तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ भी देखिए पानी तो सेम है, लेकिन यहाँ मिल्क का जो रेशियो है वो बढ़ जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, यानी कि 2 से 3 बढ़ रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है। और यहाँ जो लिखा हुआ है कि और मिश्रण में 20 लीटर दूध मिला देने पर, यानी कि ये जो बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने 20 लीटर दूध मिला दिया हुआ है, तो 1 बराबर 20 हो गया, तो मिल्क जो पहली बार शुरू में मिल्क था वो हो गया आपका 20 दूनी 40, और उसके बाद जो वाटर हो गया रेशियो शुरू में वो हो गया आपका 20, ये कुल हो गया 20। अब देखिए अब जो शुरू में कुल मेरा जो मिश्रण था वो कितने लीटर का था, तो 40 और 20, यानी कि कुल मिला के मेरा जो शुरू में मिश्रण था वो 60 लीटर का मिश्रण था। ठीक है, अब फिर यहाँ चलेंगे, तो कह रहा है कि 90 लीटर मिश्रण निकाला है, ये तो मैंने यहाँ से लिया कि जब दूध मिलाया तब जाके ये चेंजिंग आया था, लेकिन मैंने 90 लीटर मिश्रण निकाल चुका हूँ, निकाला कितना है 90 लीटर, शुरू में कितना था 60 लीटर, तो जब 60 में 90 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी 60 लीटर और प्लस 90 लीटर अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 150 लीटर, यानी कि अब जो मेरा मिश्रण कुल मिश्रण हुआ एग्जैक्ट बिना निकाले हुए 90, यानी कि ये तो 90 निकाल लिए थे तब 60 लीटर था, लेकिन जब हम 90 फिर वापस मिला दिए, क्योंकि जो निकाले हुए तो उसको मिलाना है, जब मिला दिए तो अब 150 लीटर का आया। तो अब पूछा जा रहा है कि पानी का प्रारंभिक मात्रा क्या होगा, तो देखिए पानी का प्रारंभिक मात्रा तो देखेंगे शुरू में जो रेशियो था, क्योंकि रेशियो बदलता नहीं है, आप चाहे जितनी बार भी निकाल लें रेशियो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप अलग से कुछ एक अलग कोई भी क्वांटिटी मिलाएंगे तब जाके बदलेगा, जैसे कि दूध और पानी का आप कितनी बार भी निकालेंगे दूध और पानी के मिक्सचर में से, तो रेशियो आपका वही रहने वाला है। तो देखिए यहाँ रेशियो दो है 2:1 और मेरा कुल मिश्रण दिया हुआ है 150, तो 3x बराबर जो निकालेंगे तो यानी कि 3x बराबर 150, तो इसको फिर काटेंगे तो यानी x बराबर जो मेरा आ जाएगा वो 50 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है कि पानी का प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो पानी के रेशियो कितना है 1, तो 50 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर आ जाएगा यानी कि 50 लीटर, जो मेरा जो पानी का प्रारंभिक मात्रा आया ये 50 लीटर मेरा आंसर आ गया। तो देखिए एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से पहली तरीके से बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया या लेंदी लगा तो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ कि इसको आपको कैसे बनाएंगे। तो देखिए रेशियो तो आपको यही रहने वाला है, 2:1 ही रेशियो रहने वाला है, ठीक है 3:1 ही रहने वाला है, इस रेशियो में कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि 90 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो मिश्रण निकाला जाता है यानी कि मिश्रण मुझे समझ लीजिए कि 90 लीटर दिया हुआ है, यानी कि हम निकाल रहे हैं, तो शुरू में 2:90 लीटर मिश्रण तो निकाला जा रहा है, लेकिन इस मिश्रण में मेरा रेशियो क्या निकल रहा है, यानी कि कितना अनुपात में दूध निकल रहा है कितना अनुपात में पानी निकल रहा है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। तो हम पहले ये पता करते हैं कि हम कितना अनुपात में दूध निकल मिश्रण जो निकाले हैं तो कितना अनुपात में दूध निकाले हैं और कितना अनुपात में पानी निकाले हैं। तो सबसे पहले मेरा रेशियो 2:1 दिया हुआ था, यानी कि मैं 2x मान लेता हूँ मिल्क को, ठीक है मिल्क बराबर 2x और वाटर बराबर x कर देते हैं। अब 2x प्लस x को जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 90 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, कि यानी कितना अनुपात में मैंने निकाला है वो मैं चेक कर ले रहा हूँ, तो इससे काटेंगे तो 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब मिल्क जो मेरा निकाला है अनुपात में, यानी कि मैंने जो 90 लीटर मिश्रण निकाला है इसमें मेरा मिल्क निकला है 60 लीटर और वाटर जो निकला है मेरा वो 30 लीटर निकला है। अब अनुपात मेरा आ गया कि मैंने 60 लीटर जो 90 लीटर जो मैंने मिश्रण निकाला है इसमें मैंने 60 लीटर मिल्क निकाला है और 30 लीटर दूध निकाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब फिर यहाँ से पढ़ते हैं कि मिश्रण में 20 लीटर दूध मिला दिया जाता है तब दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 20 लीटर मिश्रण में मिलाया जाता है, तो मेरा मिश्रण कितना दिया हुआ था 2x,
तो दूध मिलाया जाता है तो 2x में से 60 लीटर तो पहले मैंने निकाला है, ठीक है, तो मैंने 60 माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करा है, 20 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो मैं अब 20 लीटर इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है, उसके बाद बाय कर देंगे। अब कह रहा है कि दूध मिला दिया गया तो पानी का अनुपात तो वही रहने वाला है, तो लेकिन पानी तो मैंने निकाला है शुरू के मिश्रण में से, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर x माइनस 30, ठीक है, और उसके बाद कर देंगे मेरा जो अनुपात बना है अभी, यानी कि 3/1 मेरा अनुपात ये बना, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 2x में से करेंगे तो 2x माइनस 40 और ये x माइनस 30 बराबर 3:1 हो जाएगा। अब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको x बराबर 50 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है इसीलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा हूँ। x बराबर 50 आ जाएगा, और देखिए वाटर का जो क्वांटिटी शुरू में दिया हुआ था वो 50 x दिया हुआ था, यानी x बराबर 50। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।